शहर की ताजा खबरें देखने के लिए एनबीसीएन न्यूज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसीएन न्यूज पर। मैं हूं रत्नाकर, मेरे साथ में है इमरान। प्राइम टाइम की इस पेशकश में इमरान आपका स्वागत है। जी हाँ, बिल्कुल। प्राइम टाइम एक ऐसा सब्जेक्ट है, कोरोना। प्राइम टाइम में कई दिनों से हम एक ऐसा सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं जो वैश्विक महामारी है। जी हाँ, देश की एक बात बता दूं आपको, देश में 50,000 के करीब, ये बहुत ही बढ़ते हुए एक चिंताजनक स्थिति की ओर देश बढ़ रहा है। 50,000 का आंकड़ा भारत ने अब छू लिया है, पार कर लिया है एक माने तो, और 1700 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक गंभीरता की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और लॉकडाउन भी इसी के चलते जो है पूरे देश में बढ़ाया गया है, लेकिन अभी भी स्थिति को और सुधारना बाकी है। एक तरफ ये है कि प्रशासन ने लॉकडाउन की घोषणा की है, तो दूसरी तरफ लोगों ने इसको किस तरीके से इसको प्रतिसाद दिया है, ये भी अपनी देखने वाली बात होगी। नागपुर की बात करें तो नागपुर की स्थिति भी इमरान बहुत बिगड़ती चली जाए। जी हाँ, नागपुर के लिए एक बहुत बड़ी बुरी खबर है। नागपुर में एक 22 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव युवक की मौत हो चुकी है, वो रामेश्वरी पार्वती नगर निवासी है। ये एक चिंताजनक बात इसलिए भी है क्योंकि अब तक हम लोग समझ रहे थे कि जो कंटेनमेंट जोन है उन जोन से ही जो है रिपोर्ट्स आ रही थी, उन्हीं एरिया से जो है ज्यादा तादाद में जो है पेशेंट्स बढ़ रहे थे और बाकी के जो एरिया है नागपुर के ऐसे माने जा रहे थे कि वो अब तक सेफ है, लेकिन आज अचानक जो है स्थिति ने करवट ले ली और पार्वती नगर रामेश्वरी जोन में से एक व्यक्ति जो कि 22 साल का युवक था उसकी मौत हो गई। उसकी मौत के पश्चात जब उसकी टेस्ट की गई तो वो टेस्ट पॉजिटिव निकली। अपने आप में रामेश्वरी और जो अजनी साइड का जो एरिया है, मानेवाड़ा साइड का एरिया जो है, उसके लिए एक चिंता की बात और गंभीर बात बनी हुई है। जी हाँ, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम के लिए एक गंभीर बात है। और आपको बता दूं उस पेशेंट की हिस्ट्री के बारे में, कोई इस पेशेंट की कोई हिस्ट्री अभी तक पता नहीं चली है। ये पेशेंट जो था पिछले 2 दिन पहले मेडिकल में उनको एडमिट किया गया था, जी सांस लेने में दिक्कत जा रही थी, हार्ट में थोड़ा सा दबाव आ रहा था इस वजह से, और मंगलवार शाम उनकी मृत्यु हो गई। और बुधवार सुबह जब ये खबर आई कि वो पॉजिटिव निकला तो पूरे शहर में थोड़ा सा वातावरण एकदम गंभीर वातावरण बन गया है। और कहीं ना कहीं अब एक युवा की इस तरह से मौत हो जाना और उसका पॉजिटिव निकलना, कोरोना का पॉजिटिव निकलना, ये युवाओं में भी एक इसको एक दृष्टिकोण से देखना होगा कि वो जहां अनावश्यक तरीके से घर के बाहर घूम रहे हैं या इस स्थिति में अपने आप को कंट्रोल में नहीं रख रहे, तो ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय और बन सकता है। बिल्कुल। और रामेश्वरी पार्वती नगर जो एरिया है वो हॉटस्पॉट एरिया माना जाता है, बहुत गहन एरिया है, डेंसिटी ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है। लॉकडाउन के दौरान भी मैंने देखा गया था कि वाल थोड़ी अंदरूनी भाग आता है तो हलचल बहुत ज्यादा दिख रही थी। दूसरे शब्दों में अगर कहे तो इस एरिया में उस तादाद में लॉकडाउन का पालन जो है लोगों के द्वारा उस तादाद में नहीं होता दिखाई दे रहा है, और इसके परिणाम स्वरूप अगर ऐसे और केसेस अगर नागपुर में बढ़ते हैं तो स्थिति हम नागपुर वासियों के लिए काफी चिंताजनक हो सकती है। जी हाँ, और महानगर पालिका की तरफ से शायद पूरी तैयारी हो चुकी है उस एरिया को सील करने की और उनके परिवार और आसपास के लोगों को क्वारंटाइन भी किया जाएगा। हाँ, रेलवे प्रशासन ने तो एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया था कि अजनी की रेलवे जो कॉलोनी है उस रेलवे कॉलोनी को पूरी तरह से सील किया जाएगा, जहां पर ना ही कोई बाहर का व्यक्ति अंदर आ सकता है ना ही अंदर की व्यक्ति बाहर जा सकता है। जी, दर्शकों को बता दूं कि रामेश्वरी पार्वती नगर एरिया से 2-3 रास्ते जाते थे जो रेलवे क्वार्टर में जाते थे, अजनी का जो रेलवे क्वार्टर थे, तो रेलवे क्वार्टर को प्रबंधक ने कहा कि पूरी तरह से सील किया जाए। ये जब मामला सामने आया तब उन्होंने एक नया आदेश जारी किया कि अजनी के जितना भी एरिया है जो रेलवे क्वार्टर के अंदर जाता है वहां से सील किया जाए। तो कहीं ना कहीं इमरान आज ये स्थिति बन रही है कि ये जो है आप सतरंजीपुरा की बात कर ले, मोमिनपुरा की बात कर ले, जहाँ पे एक तादाद में जो है केसेस उजागर होते जा रहे थे, अचानक से इस तरह से बाहर से जो पेशेंट्स आने चालू हो गए या जो मौत, तो कहीं ना कहीं बाकी के एरिया को भी अब प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी हो जाता है। मतलब लॉकडाउन एक जो प्रशासन ने कहा है और एक अंतर से जो है लॉकडाउन को हम माने और उसका पालन करें, ये अब दर्शकों के लिए और पूरे नागपुर वासियों के लिए बहुत जरूरी कदम हो जाता। बिल्कुल, ये एक जीता जागता उदाहरण अगर दर्शकों के माने तो लिया जाना चाहिए कि लॉकडाउन को तकरीबन 1.5 महीना पूरा हो चुका है, उसके बाद ये केस पॉजिटिव आ रही है, तो आप सोचिए लॉकडाउन का अगर पालन नहीं करते तो संक्रमण किस तरह से फैल सकता है। जी हाँ, ये तो उस घर की भी परिस्थिति देखने लायक होगी कि जब एक यंग लड़का अपने घर का जो इस तरह से थोड़ी सी बीमारी के चलते कोरोना ग्रसित हो गया और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो
कहीं ना कहीं हमको इस जो लॉकडाउन की स्थिति है उसका पालन जरूर करना चाहिए। जी हाँ, रामेश्वरी पार्वती नगर एरिया बोलो या फिर पूरा नागपुर वासियों को बार बार यही आगाह कर रहे हैं कि घर से ना निकले, लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन कीजिए, जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आ पाती बिना काम के आप निकले ना। सही बात है। कुछ मुद्दे और भी हैं इमरान, कि जैसे माइग्रेंट्स है, स्टूडेंट्स है, उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने कदम उठाए, इस पर भी मैं बात करना चाहूंगा कि इसमें भी वो कुछ जो है एडमिनिस्ट्रेटिव दुविधाएं जो है वो भी हमने जो प्रैक्टिकली करके देखा उसमें जी हाँ, पिछले कई दिनों से मतलब एक ये मामले आ रहे थे, जितने भी कामगार रोजमर्रा के जो ट्रेन से जाने वाले थे उनको कोई कह रहा था उनको टिकट देनी पड़ेगी, कोई कह रहा था कि नहीं गवर्नमेंट देने वाली है, एक असमझ ये था, असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। कहीं बोला गया था कि जो जो ट्रांसपोर्टेशन जो कर रहे हैं उसमें कुछ प्रतिशत जो हिस्सा है वो लोगों को भरना पड़ रहा है, हालांकि आज फिर उसके कुछ राजनीति भी हुई है। जी हाँ, आपको एक बता दूं कि जिस दिन पहली ट्रेन गई उस दिन नितिन राउत जी का स्टेटमेंट आया कि 5 लाख रुपए उन्होंने उन यात्रियों की टिकट के लिए दिए। फिर उसके बाद सोनिया गांधी का एक स्टेटमेंट आया, आपने देखा दूसरे दिन से जब से शुरू हुआ उन्होंने तैयारी की, कांग्रेस जितने भी मजदूर जो जाएंगे उनकी टिकट कांग्रेस भरेगी। फिर सेंट्रल का एक बीच में हमने न्यूज भी चलाई थी, आपने सर अच्छा स्क्रिप्ट किया था उसे। फिर उसके बाद सुबह सुबह एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एक ये आई कि 85% सेंट्रल गवर्नमेंट पेड करेगा और 15% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी रहेगी। बिल्कुल, जिसमें जो हमें जानकारी जो मिली थी उसमें ये था कि एक ट्रेन का उसके डेस्टिनेशन से निकलना और उस डेस्टिनेशन तक जाना और फिर उस खाली गाड़ी को वापस आना, इसके लिए जो खर्चा आता है उस खर्चे का 85% जो है वो रेलवे प्रशासन खुद बॉर्न करने वाला था और एक ट्रेन में मैक्सिमम 1200 लोग जा सकते थे, तो 1200 जो 15% बचा हुआ है वो 15% का जो हिस्सा है डिवाइडेड बाय 1200 लोगों में बांटा गया था। इस तरह से ये आह्वान किया गया था कि वो अमाउंट जो या तो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट या जो भी उसको बॉर्न करे वो हो। तो अब तो खैर ये स्थिति स्पष्ट हो गई है, अब ये मामला भी ये हो गया है। अब स्थिति ये है कि जो भी ट्रांसपोर्टेशन होगा उसका पैसा कैंडिडेट से नहीं लिया जाएगा, जो भी ट्रांसपोर्ट करेंगे उनसे नहीं लिया जाएगा। एक और जी हाँ, और एक और पहल महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी की है कि महाराष्ट्र से जो विदेशों में लोग रह रहे हैं उनके भी यहाँ लाने की जो है तैयारियां की जा रही है। मेरा मुद्दा ये था इमरान, जो ऑनलाइन फॉर्म्स भरे जा रहे हैं जिलाधिकारी कार्यालय से, ये सब चीजें तो एक जगह पे सही है, सारी चीजें ऑनलाइन होने के बाद अब उसके लिए पास लेने के लिए जो है जिलाधिकारी कार्यालय में जाना पड़ रहा है कहीं ना कहीं, और उसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट की भी एक आवश्यकता है। तो हमने भी देखा है कि कई जगह पे लोगों को कतारें लगानी पड़ रही हैं। जी हाँ, और यही खबर आज हम रामेश्वरी का एरिया जो है जी, मैं आपको बता दूं कि वहाँ आज एक पॉजिटिव पाया गया जो उसकी मौत हो चुकी, उसी के 500 मीटर के अंतर्गत एक मनपा का स्वास्थ्य विभाग है जी, वहाँ पूरी तरह से कामगारों ने भीड़ लगाई थी, सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह से धज्जियां उड़ती हुई नजर आई थी। दर्शकों को हम अपने एक फुटेज के माध्यम से अभी बताना चाहते हैं, हम वहां गए थे, एक नजर डालते हैं उस स्पॉट की। बुधवार को सुबह रामेश्वरी पार्वती नगर एरिया में एक पॉजिटिव पाया गया और उसकी मौत हो चुकी थी। उसी हॉटस्पॉट के नजदीक एक स्वास्थ्य, आप ये देख सक रहे हो कि पूरी भीड़ लगी है, एक स्वास्थ्य विभाग का यहाँ कार्यालय है मनपा का, जहाँ स्वास्थ्य सर्टिफिकेट जमाने यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह से धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। आप देख सकते हो कि ये लाइन लगी है, यहाँ पे बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कराया जा रहा है, यहाँ मेडिकल कर्मी भी मौजूद है और पुलिस कर्मी मौजूद है, यहाँ कोई भी किस्म की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कराया जा रहा है। यही से कुछ मीटर में एक पॉजिटिव भी पाया गया है अभी कुछ ही देर पहले, इसकी एक आधिकारिक सूची सामने आई है कि रामेश्वरी पार्वती नगर में एक पॉजिटिव की मौत हो चुकी है, उसके बावजूद इस तरह का या सोशल डिस्टेंसिंग का एक धज्जिया उड़ाना ये कहा की अच्छी बात होगी। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ इमरान शेख, बीसीएन न्यूज। तो देखिए हम इमरान, ये इस तरह से आपने खुद इसको खुद अपने आंखों से देखा हुआ है और क्या स्थिति बनी हुई है, तो यही स्थिति क्या कलेक्टर ऑफिस में नहीं बढ़ेगी जब वो लोग पास लेने जाएंगे? तो क्या ये व्यवस्था ऐसी नहीं हो जानी चाहिए थी कि सारे पासेस जो है, खास करके उन लोगों को, मैं एक बात मान लेता हूँ कि जो गरीब मजदूर लोग भाई होंगे इनको पास में इतनी समझ नहीं होगी कि उनको ये सारी ऑनलाइन जानकारी मिल जा सके, लेकिन उनके लिए कुछ अलग ऐसी व्यवस्था हो जानी चाहिए थी कि उनको
कोई शिविर लिया जा सकता था या कुछ ऐसे प्रशासन के माध्यम से, सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का भी व्यवस्था इस तरह से की जानी चाहिए थी। और जिन लोगों ने प्रोएक्टिवली जो ऑनलाइन फॉर्म भरे हुए हैं उनको पासेज जो है ऑनलाइन ही मुहैया कराई जानी थी। जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन आपको जब ऑनलाइन मुहैया की मतलब अपलोड की जा चुकी है तो आपकी पासेस ऑनलाइन क्यों नहीं आ सकती, क्यों आपको लोगों को कलेक्टर ऑफिस में बुलाना पड़ेगा। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा आपने यहाँ पे सामने लाया है और अच्छा, ये बहुत जरूरी है। वो जब जाएगा अपने घर से, जब कलेक्टर ऑफिस जाएगा तब उसको रास्ते में कितनी परेशानी होगी, तो कहीं ना कहीं तो यातायात भी बढ़ेगा। तो आप किस हिसाब से इन सब व्यवस्था को सुचारू, भीड़ भी इकट्ठा हो जाएंगे, इकट्ठा तो होना ही होना है। तो इन सब स्थिति के ऊपर भी प्रशासन ने व्यवस्था बहुत अच्छी, उद्देश्य बहुत अच्छा है, लेकिन इसको और प्रिसाइज किया जा सकता है, इसको लोगों तक जो है आसानी से पहुंचाया जा सकता है, लोगों को वहां तक आने की जरूरत ना पड़े, इसके ऊपर में ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाता है। जी हाँ बिल्कुल, और मैं जितने भी दिहाड़ी मजदूर हैं या फिर जो यहाँ फंसे हुए लोग हैं जो बाहर जाना चाहते हैं, जिन्होंने भी मेडिकल में बोलो या फिर मेयो अस्पताल में बोलो या फिर जितने भी जो सेंटर दिए गए हैं 8-10 सेंटर महानगर पालिका की तरफ से बताए गए हैं, तो वहाँ कृपया आप भीड़ ना लगाएं, है ना। सोशल डिस्टेंसिंग का आपको पालन करना पड़ेगा, एक दूसरे से दूरी बनाए रखनी पड़ेगी। जहां आपको लगता है कि आपको अपने गांव जाना, अपने पैतृक गांव जाना है, वहां जाने के बाद में आपकी वजह से कहीं कोई परेशानी ना हो, ताकि आप कोई बीमारी वहां पर लेकर ना जाए, आप सुरक्षित रहे, आपका परिवार सुरक्षित रहे, यही हमारा कहने का एकमात्र उद्देश्य है। जी हाँ, और नागपुर के आंकड़े में आपको बता दो, दिन ब दिन आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, 170 पार कर चुके हम, और इसे कहीं ना कहीं रोकने के लिए आप सबकी एक जिम्मेदारी बनती है। यही हो रहा है ना, देखिए कभी ऐसा हो रहा है कि एक राहत मिलती है कि आज कोई आंकड़ा नहीं निकला, ऐसा लगता है कि चलो कहीं ना कहीं ये सिलसिला थमने का एक स्थिति आ गई, अचानक से आंकड़े बढ़ जाते हैं, तो ये एक दुखद स्थिति हो जाती है हमारे लिए भी और सभी के लिए भी, एक चिंता का विषय हो जाता है। और ये तब होता है कि जब हम कहीं ना कहीं नियमों को ताक पर रखकर कहीं ना कहीं हम नियमों को तोड़ते हैं, और खुद का ख्याल रखना, खुद की जिम्मेदारी ने आज के इसमें बहुत अहम कदम हमारी तरफ से होना चाहिए। जी हाँ, और एक बार बता दो आपको, लॉकडाउन 3 में नागपुर और नागपुर जिले को कोई रियायत नहीं मिली है, ये मैं आपको बता दूं। पूरे महाराष्ट्र भर में कई दारू की दुकान शुरू हुई थी, मगर नागपुर में ये बिल्कुल होने वाली नहीं है। जी हाँ, और ये पहले दिन हम इसके सही या गलत की समीक्षा ना करते हुए बस हम ये जानकारी आपको देना चाहेंगे कि नागपुर में किसी भी नागपुर और नागपुर के अप कंट्री में, चाहे हिंगना या वाड़ी ऐसी कहीं भी ऐसी जगह हो, कहीं पर भी दारू की दुकानें खोलने की अनुमति फिलहाल नहीं दी गई है। सिर्फ इस लॉकडाउन के दौरान जो आप रेसिडेंशियल या कोई भी आपके जो मानसून के पहले के जो काम है जिनका करना अनिवार्य हो सकता है, उनके लिए सिर्फ कुछ शर्तों के अधीन जो है कमिश्नर एनएचसी कमिश्नर ने उसको छूट दे के रखी है। जी हाँ, टेस्टरी की दुकानें खुलेंगी, होजरी की दुकानें खुलेंगी, उसके अलावा बाकी कोई भी दुकानें को मान्यता नहीं दी गई। अगर कंस्ट्रक्शन आपको करना है तो वो आप बिल्कुल कर सकते हैं, मगर उसमें कुछ नियमावली दी गई है, जितने भी जो मजदूर हैं वो आपको कंस्ट्रक्शन के जगह पे उसी साइड पे रखने पड़ेंगे, और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, इसका सारे चीजों का ध्यान भी रखना पड़ेगा। सही बात है, लेकिन अब एक मेरा और सवाल था इसमें कि आप अगर कंस्ट्रक्शन का कार्य चालू भी करते हैं तो आपको मटेरियल लगेगा, अब सारे मटेरियल की दुकानें बंद है, तो ये कहाँ तक ये संयुक्तिक होगा, कहाँ तक ये प्रैक्टिकल होगा कि आप लेबर से काम करवा लो, लेकिन जब चीजें नहीं है तो आप ये काम करना भी थोड़ा सा कठिन। हाँ, कहीं ना कहीं कठिन जाएंगे। तो बेहतर इस वक्त यही होगा कि हम लोग कुछ दिनों तक, कुछ ज्यादा दिन बचे नहीं है, अगर आज भी हम संभल जाते हैं, आज भी अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं, जो लोग पॉजिटिव पाए गए हैं ये वो तो ऑलरेडी क्वारंटाइन है, कुछ लोग अच्छी तादाद में नागपुर के लिए एक खुशी की खबर ये भी है कि लगभग 60 के लगभग लोग जो है अपने घरों में कोरोना पर से जंग जीत कर वापस भी पहुंच चुके हैं। नागपुर के लिए बहुत अच्छी खबर है, और कल 3 महीने की बच्ची ने कोरोना को मात देके अपने घर चली गई है, तो ये अपने आप में एक सराहनीय कदम भी है, और कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम और नागपुर वासियों की जो इम्यून सिस्टम है वो भी अच्छा काम कर रही है, तो हम लोग पॉजिटिव चीजों की तरफ भी ध्यान देखें। मैं आपको बता दूं कि BCN के माध्यम से एक अच्छी सी हम स्टोरी, एक दूसरा पहलू जो है लॉकडाउन का, जो दूसरा पॉजिटिव पहलू है, इस पर भी गौर करने वाले हैं इन BCN के दर्शकों के साथ में, वो हम एक स्टोरी भी जरूर साझा करेंगे। जी हाँ, और बार बार हम कहते हैं कि आप घर पे रहिए, आपके घर पे मनचले जो वीडियो है हम हमारे नंबर पे भेजिए, व्हाट्सएप नंबर है हमारा 9 1 3 0 0 5 6 2।
हम आपको घर बैठे बैठे वो वीडियो दिखाएंगे हमारे चैनल के माध्यम से। और दर्शकों का धन्यवाद कि इसके लिए अच्छा प्रतिसाद भी मिल रहा है, बच्चों के और अच्छे खासे चुलबुले वीडियोस भी हमें मिल रहे हैं, कुछ अच्छी अच्छी चीजें भी बनाई है। हम लोगों को भी माफ कीजिएगा इमरान, आपका तो आपके रोजे चल रहे हैं जी, और रोजे से मैं बात कहूंगा कि जितने भी हमारे मुस्लिम बांधव जिन्होंने रोजे रखे हुए हैं वो इफ्तार पार्टी के भी वीडियोज बनाकर हमें भेज सकते हैं। लेकिन ये इस वक्त ये सबसे बहुत जरूरी है कि लॉकडाउन 3.0 मतलब तीसरा जो दो चरण चल रहा है, बस ये चरण यही खत्म करने के लिए हमारा आगे आना जरूरी है। हमारा ये बहुत सही कदम होगा कि हम घर से बाहर ना निकले, अपने परिवार के साथ में रहें और इस बीमारी को और आगे फैलने से रोकने की जो नैतिक जिम्मेदारी हमारी, हम उसको पूरा करें। दर्शकों हमारे साथ में बने रहिए। जैसे इमरान साहब ने कहा, मैं एक बार फिर से नंबर दोहरा देता हूँ, 9130005662। इस पर आप अपने चुलबुले से वीडियो हमारे साथ में शेयर कीजिए। अपने घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए, शहर का ख्याल रखिए, देश का ख्याल रखिए, यही सबसे अच्छी देश सेवा आज के लिए साबित हो सकती है। बने रहे हमारे साथ में इन दिस न्यूज़ पर। नमस्कार।